जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चमड़ा गांव में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, हुआ खूनी संघर्ष। घायल अवस्था में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे कोतवाली, घायलों को खून से लथपथ देख पुलिस लेकर पहुंची समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। खंगर समाज के लोगों को आई गंभीर चोट है, जिसमें 3 व्यक्ति हैं बुरी तरह से घायल, वहीं ढीमर समाज से 1 व्यक्ति घायल। समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा घायलों का उपचार जारी, घायलों की अवस्था को देखते हुए डॉक्टर ने उपचार कर किया उच्च संस्थान रेफर। मामला जनपद जालौन के कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमड़ा का है। राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। किस गांव से हैं? चमड़ा ठाकुरपुर से। आपके इतना ब्लड बह रहा है, क्या बात है? ये सर हमारे लड़के से थोड़ा सा विवाद हुआ जमीन के पीछे, वो ये लोग कह रहे थे गड्ढा गड्ढा है, ये वो, ये भी मकान उसी में बना है, हम लोग भी बना है। तो सर हम लोग तो केवल गए हैं कि गाली गुली छोड़े तो उन्होंने हमारी मारपीट कर दी, ये लोग लगे थे सब। सर ये खोपड़ी में जो दी सब कुछ हम तो नहीं, ये लोग आप लोग कितने लोग जख्मी है? हम लोग 3 लोग हैं सर। कितने लोगों ने मारपीट की है? इसमें लालाराम बरार और क्या नाम हरिराम और ये क्या नाम लोग के नाम से भी क्या करना। अच्छा कम से कम 10 लोग तो। कमल कौन से गांव से? कमला, कमला ठाकुर। क्या घटना हुई है जो आपका इतना खून बह रहा है? लाठी मार दी था। किसने? जबर सिंह, भगवान सिंह, साहूकार। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ? ये झगड़ा हुआ है खाद गड्ढे में मकान बना रहा साहब, मना करी तो मारपीट पीट भी की धमकी दी जिनने, और फिर मारने लगे। फिर क्या लोग थे आप लोग? कितने लोग थे? हम साहब अकेले आते, लोग अकेले हम अकेले अकेले पहले आते, फिर एक दो जन और आ गए, ये भाई हमारा है। मामले की शिकायत पुलिस से किया आपने? पुलिस से तो नहीं की है। पुलिस से शिकायत नहीं की? यहाँ पर कौन लेकर आया आपको? ना आप ही आते, अपने पक्ष पे आए, सब लोग आए, इंडिया आए, देवी आए। यहाँ पर अस्पताल कौन लेकर आया है ना? जी सर आप कुछ लोग अभी आए हैं, कई लोग आए हैं, कैसे क्या मामला हुआ, कितने लोग हैं? घायल अवस्था में अभी 3 लोग आए हुए हैं, तो उनका तीनों लोगों का मेडिकल लीगल परीक्षण हो चुका है, उसमें 2 लोगों को रेफर कर दिया गया, एक को सामान चोटें थी तो इलाज कर दिया गया उसका। क्या इनकी कंडीशन है इस तरह? कंडीशन अभी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे के लिए बाहर भेजा है, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद बता पाएंगे। रेफर कर दिया जी।